बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देख के कि आज मैं अपने कॉलेज जाने वाला हूँ, और वहाँ पर देखते हैं कॉलेज में क्या क्या हो रहा है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 4:30 हो गया, मुझे लग रहा है बच्चों की छुट्टी भी हो गई होगी, लेकिन फिर मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ। सो लेट्स गो गाइस। कॉलेज में यह है राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी। ये स्टेबल हुआ था 1912 में, जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा क्लासेस यही चलती थी हमारी। मतलब जितने बॉयज़ थे, अगर टीचर नहीं है, कई बार टीचर छुट्टी पर रहते तो यहाँ बैठ के हम पूरा अपना जो इन्जॉय करते थे, कभी उधर बैठ जाया करते थे। और मतलब कॉलेज आके ना, मैं आपको अगर बताऊँ तो पूरी यादें ताज़ा हो जाती हैं गाइस। मतलब हमको पता है हमने कैसे कैसे 3 साल मतलब इतने इन्जॉय किया और पढ़ाई भी करी, आज कहीं ना कहीं जाके हमको उसका जो है फ़ायदा मिला है। तो मैं आपको ऊपर का वो दिखाता हूँ। ये गाइस इधर हमारा वर्कशॉप है, जहाँ पर की सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया इंजीनियर्स के लिए, और कारपेंट्री शॉप, सारा इसी में मिल जाएगा आपको। मैं अभी इधर ही जा रहा हूँ, सर हमारा बहुत दिन करते हैं। अभी क्या है कि मुझे लग रहा है ये वर्किंग पीरियड में है। ये बॉयज हॉस्टल हुआ करता था, और अब ये जिला सेवा योजन कार्यालय बना दिए गए। हमारे टाइम पे बॉयज हॉस्टल हुआ करता था, आज देखिए आप कितना टाइम हो गया इनको। अंकल इनको ये ऑफिस यहाँ पर आए हुए 10 महीने हो गए। सो गाइस 10 महीने हो गए यहाँ पर, और
कार्यालय यहाँ पर शिफ्ट भी हो चुका है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से लोकेशन इतनी गजब की आती है, दिखाओ एक बार लोकेशन। ये हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ब्लॉग है, अभी मैं इसमें आपको जो है पिछले 15 से 20 साल हो गए। अरे दादा 25 साल, अरे 30 साल हो गए अंकल को यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है हम तो आप क्या मेरे नगरी में आपको मिल आज बोल याद किया आपने मेरे क्या है कई बार कई। चलो एक चीज बताओ क्यों याद करते थे, कोई एक बात तो बताओ। इसलिए याद करें जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको याद। अच्छे तो आप इसलिए हम आपको जब तू बढ़िया रहेगा तो मैं भी बढ़िया रहूँगा। अच्छा तेरे से हिसाब से तो मैं भी बढ़िया रहूँगा। अच्छा बच्चे उस बैच के पहले बैच के सब बढ़िया होते सब। फिर आके मिलते हैं। ठीक है ये अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पर बैठ बैठ के ना हमने ऐसे बहुत सीरियस गोल मारे यहाँ बैठ बैठ के क्या करें समय के साथ। और गाइस इस कॉलेज की देन है कि आज की डेट में हम इंजीनियर हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे भाई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और उसकी देन है ये कॉलेज। पहुंच गए अपने कैंटीन, ये हमारे पॉलिटेक्निक का बेस्ट कैंटीन एंड कम हेयर। और अंदर देखे हमारे भाई जी बैठे हैं। आ भाई जी नमस्कार। बधाई हो, बहुत ही डेवलप कर दिया आपने तो। भाई जी को नमस्कार। डेवलपमेंट हो गए सब। ये हमारे भाई जी यहाँ बैठे हुए, कैसे पहचान दो हमको, पहचाने जरूरत नहीं है। और सुनाओ आप। बहुत बढ़िया बैठो आप ना, क्या हाल है आपके। यहाँ की चाय इतनी मशहूर है कि जो इस कॉलेज में नहीं भी पढ़ता है वो भी आते हैं चाय पीने के लिए। भाई जी के हाथ की चाय गजब। सो गाइस अभी आगे हमें कैंटीन के अंदर आप देखिए जो एक्स स्टूडेंट है यहाँ के वो देख सकते हैं कि मतलब कितना डेवलप हो गया है। उस टाइम पे हम जब यहाँ खड़े होते थे, जब हम यहाँ खड़े होते थे तो हमारे सर लगते थे ऊपर, मतलब इतना छोटे हाइट में थे और झुक के अंदर आया करते थे। और आज देखिए आपकी मतलब यहाँ पे हम इजीली खड़े हो पा रहे हैं और काफी कुछ डेवलप हुआ। और भाई मैडम थोड़ी देर, ये हमारे बड़े भाई जी हैं जिन्होंने हमको पूरे पॉलिटेक्निक के 3 साल में यहाँ पर कभी भूखे नहीं रहने दिया। बेस्ट थिंग क्या थी कि अगर पैसे नहीं भी है तो भी हम यहाँ छोले खा के चले जाते थे, आप बाद में दे सकते क्यों भाई जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भाई जी, आप नाम बताओ अपना। नाम तो भाई लाल सिंह नाम से फेमस, लाल सिंह नाम जी से फेमस है। और हम यहाँ का नाम रखा था बॉर्डर कैंटीन है ना, और इस बॉर्डर कैंटीन में छोले दुनिया में मशहूर है। आप कभी आइए तो एक बार बताओ भाई जी, आप हमारे पुराने स्टूडेंट है, जैसे मैं यहाँ 8 साल पहले पढ़ता था तो आप तो यहाँ पे कम से कम कितने साल हुए। 2.5 साल तो भाई ये लगा लो बचपन भी गया, बचपन से बुढ़ापा भी यार सब यहीं पे। तो मेन चीज ये है कि हमारे पुराने स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोग क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए। ये चाहते हैं हम उनकी बेचारे अच्छी जगह हो, जॉब में लगे हुए हो, शादी हो, किसी बच्चे हुए अच्छे, जा रहे खुश रहे, जा रहे खुश रहे और हमको मिलने आते रहे। थोड़ी बहुत याद आए तो कर लेंगे।
आए हैं या पुराने स्टूडेंट क्यों नहीं आते? मिलते हैं आपको पक्का? उत्तरकाशी आएगा वो जरूर आते हैं। बिल्कुल, देखो उत्तरकाशी आएगा, वो पॉलिटेक्निक जरूर आएगा, क्योंकि इसको हम स्वर्ग बोलते थे। हमारा बचपन से लेके आज की डेट में जो कुछ है इस कॉलेज के बदौलत है। पर भाई जी के हाथ की पी हुई चाय और छोले, ये ही बच्चे हमारे, हम बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा वो है, मतलब माहौल बना रहे हैं, अपना घर सा लगता था। क्यों भाई अभी भी बच्चे बोलते हैं? बिल्कुल अभी छोड़े हैं लोग, बिल्कुल आते रहते हैं। मुझे बहुत याद आती है कॉलेज में, और जब भी मैं आया आपको जरूर मिलता। छोड़ो आप नहीं सुनाओ, आप नहीं सुनाते हैं। So guys, कैंटीन में भाई जी को भी मिल लिए हैं, और पॉलिटेक्निक में अभी नीचे मामा है उसको भी मिल लेंगे। सो गाइज, ये पूरा पॉलिटेक्निक हमारा कॉलेज है जहाँ पर हमने पॉलिटेक्निक की थी 2013 पास आउट। और गाइज, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब किए जाना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।